तो भैया जब हम छोटा था तो हमको बहुत शौक था वॉलीबॉल खेलने का, और वॉलीबॉल मिल जाए तो भैया दिन भर वॉलीबॉल खेलती रहती थी, क्योंकि हम लोगों का जो शौक़ था वॉलीबॉल खेलने का भैया बहुत शौकीन थी। और जो हमारा हॉबी था इस वॉलीबॉल खेलने का, जब भी भैया टाइम मिला ले भैया वॉलीबॉल ले ले चल कहीं भी चल, साइकिल ले ले भैया घूम रहे थे, कहाँ हो रहा है वॉलीबॉल, कौन गाँव में हो रहा है, चलो खेलने चले। और गांव पे भी होता था भैया कहीं छुट्टी हो गया किसी दिन तो भैया दिन भर सुबह से लेकर शाम तक भैया वॉलीबॉल चलता था। कहें कि देखो हॉबी जो होता है ना भैया, उस काम को करो तो भैया जितना खेलो उतना मज़ा आता है, उसमें जो चीज़ पसंद होती है उसे करने में भैया बहुत मज़ा आता है, चाहे कितना भी उस काम को करा लिया जाए मज़ा आता है उस काम को करने में। तो ऐसे देखिए भैया, जैसे हमारा हॉबी था वॉलीबॉल खेलना, हम दिन भर खेल सकते थे वॉलीबॉल। ऐसे बहुत सारे लोगों के मतलब हॉबी होते हैं, शौक़ होते हैं करने का, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई चेस खेलता है, कोई कैरम बोर्ड खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, मतलब सभी फील्ड में जितने भी फील्ड हैं जिनका जो हॉबी होता है बहुत पसंद करते हैं सब। कहीं भी मिल जाए, कहीं भी दिख जाए तो भैया अगर नहीं खेलेंगे ना तो भी रुक के वहाँ पे देखेंगे सब, कहें कि भैया उसको उनको उनके उनको उसमें इंटरेस्ट होता है, और भैया खेलने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो भैया बदलते वक्त के साथ देखो भैया जिम्मेदारी बढ़ती गई, और लोगों का जो हॉबी था शौक़ था वो धीरे धीरे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखो घर को मेंटेन करना, घर के बारे में सोचना, घर का जो खर्चा है उसे चलाना, तो भैया उसमें क्या होता है कि पूरा टाइम मतलब नहीं मिल पाता है कि अपना जो हॉबी है उसे कर सकें। लेकिन भैया सोचते हैं कि अगर कहीं भी मतलब उस चीज़ हो रहा हो, हमारा जो वॉलीबॉल का शौक़ है हॉबी है, कहीं भी होता तो भैया कहीं भी कभी भी टाइम मिलता, संडे को या फिर किसी भी टाइम सुबह में शाम में कभी भी मतलब टाइम मिलता खेलने को तो भैया ज़रूर जाता। इससे क्या होता, हमारा बॉडी भी अच्छा रहता, हेल्थ भी मेंटेन रहता, और बॉडी भी अच्छा खासा रहता, सुडौल रहता, और हमारा हेल्थ भी मतलब सही रहता। तो ऐसे देखिए बहुत सारे लोगों के मतलब हॉबी होते हैं, जिससे वो अगर हॉबी उनका है तो वो ज़रूर अपने हॉबी को खेलना चाहेंगे, करना चाहेंगे यदि उनको मौका मिले तो। भैया देखो इसका जो जितने भी लोगों का हॉबी है, इसका एक सेंटर खोल सकते हो, हॉबी सेंटर, कि जिसका भाई जिस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में हॉबी है उनका, खेलना चाहते हैं करना चाहते हैं, तो उसका एक क्लास बना सकते हैं, उसका एक सेंटर खोल के भैया जो भी है जिस चीज़ में माहिर है, खेलना चाहता है, शौक़ है, तो आकर के अपना कर सकते हैं, खेल सकते हैं, आप कुछ अपना चार्ज कर सकते हैं, चार्ज मंथली कुछ चार्ज ले सकते हैं। तो भैया देखो ये जो काम है ना, लोगों का जो हॉबी है वो लोग ज़रूर करना चाहेंगे, कहेंगे भैया जो चीज़ लोगों को पसंद होता है ना वो बहुत खुशी के साथ करते हैं, जब भी मौका मिला संडे को सुबह को शाम को तब वो आ जाएंगे करेंगे। कहेंगे देखो भैया लोग पैसे किस लिए कमा रहे हैं, ताकि वो खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, मस्त रहें। तो देखिए भैया सब कोई चाहता है कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, कुछ परेशानी ना हो, तो भैया उनसे इससे क्या होगा, उनका जो हेल्थ है वो भी सही रहेगा, वो फिट भी रहेंगे। तो ऐसा देखो अपने एक ना हॉबी सेंटर खोल के बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, जो लोगों का शौक़ है, किसी का कुछ भी खेलने में शौक़ है तो वो आकर के ज़रूर वहाँ पे आपके सेंटर पे विजिट करेंगे, और ज़रूर वो लोग जब भी टाइम मिलेगा, जिस भी टाइम में हो सकेगा, वो लोग ज़रूर आकर के अपना जो शौक़ है उसे खेलना चाहेंगे, पसंद करना चाहेंगे। तो ये जो हॉबी सेंटर है, आप हॉबी सेंटर खोल के यदि आपका एक अच्छा खासा कहीं प्लॉट है या फिर कुछ ज़मीन है, तो इसका हॉबी सेंटर खोल के भैया बहुत अच्छा खासा अर्निंग किया जा सकता है। मैं तो भैया ये जो हमने अभी बताया हॉबी सेंटर, इसके बारे में यदि कुछ सवाल पूछना हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो भैया नीचे कमेंट कर देना, या फिर इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जब चाहो भैया अपना जो भी राय देना चाहते हो, जो भी चीज़ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो आराम से। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो इसके लिए आप एक लाइक कर देना यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो, और चैनल पर भैया पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहें कि भैया हमारा जो काम है ना, आप लोगों को नए तरीके का काम बताना, जिससे आप जो आज के ज़माने का जो कंपटीशन वाला बिजनेस है इससे दूर हट के कुछ नया करो, कुछ अलग करो, जिससे आपका भी नाम हो, ताकि लोग जाने कि भैया क्या कर रहे हो, हाँ कुछ अलग कर रहा हूँ, तो भैया लोग कहेंगे हाँ भैया ये तो कुछ अलग है काम कर रहा है यार, मस्त है भैया लगे रहो। तो भैया देखो कुछ अलग करोगे तो भैया लोग अगर सक्सेसफुल हो गए तो कहेंगे भैया हाँ ये कुछ नया, ये इसने कुछ अलग किया है, मस्त किया है। भैया ये जो हॉबी सेंटर है इसका खोलो और मस्त अर्निंग करो।